हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम ढाबा स्टाइल एग भुर्जी। एग भुर्जी सबका बहुत ही फेवरेट होता है, मेरे घर में भी ये बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ईजिली एंड क्विकली बन जाता है। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज को एकदम फाइन चॉप करके ले लिया है मैंने। 3 से 4 लहसुन के कलियाँ मैंने फाइन चॉप करके ले लिया। 3 से 4 हरी मिर्चियों को भी मैंने चॉप करके ले लिया है। 1/2 कटोरा मैंने फ्रेश धनिया को चॉप करके ले लिया और 2 बड़ा साइज़ का टमाटर को मैंने चॉप करके ले लिया। इसके साथ ही मैंने ले लिया है 5 अंडे। गैस ऑन करके मैं इस पर तवा चढ़ा देती हूँ और उसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। सनफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो। तेल गर्म हो जाए तो उसमें मैं दे रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा थोड़ा चटकने लग जाए उसके बाद मैं सबसे पहले तेल में डालूँगी जो चॉप किया हुआ लहसुन थे वो। लहसुन को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, करीब 1 मिनट लगेगा उसे हल्का ब्राउन होने में, तब तक इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो चॉप किया हुआ प्याज थे वो। प्याज और टमाटर का इस्तेमाल एग भुर्जी में थोड़ा ज़्यादा होता है, अब थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा आता है। और हरी मिर्ची जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लीजिए, अब जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतना ज़्यादा लीजिए, नहीं तो कम लीजिए। मैंने डाल दिया है सारे प्याज। प्याज को भी मैं 1 से 2 मिनट तक ऐसे चलाते हुए भूनूंगी। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज का जूसीनेस हमें चाहिए, इसे ख़त्म नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे तो प्याज का जो जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें भुर्जी में प्याज का जूसीनेस चाहिए। देखिए हल्का गोल्डन हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो चॉप किया हुआ टमाटर थे वो और हरी मिर्ची। अच्छे से सारे चीज़ों को मिला लेंगे। टमाटर का इस्तेमाल मैं अंडा भुर्जी में हमेशा थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। आप ढाबे में जाके भी अगर अंडा भुर्जी ऑर्डर करेंगे तो आप देखिएगा टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। टमाटर का जो चटपटापन होता है, खट्टापन, वो अंडा भुर्जी में अच्छा लगता है। अंडा भुर्जी अगर थोड़ा तीखा और चटपटा हो तो उसका खाने में मज़ा ज़्यादा आता है। हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ही है, मैंने बस हल्का सा कलर के लिए ऐड किया है, वरना तीखेपन के लिए तो मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी ऐड कर लिया है। देखिए टमाटर हल्का हल्का गलना भी स्टार्ट हो गया है। इसे हमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का गलना स्टार्ट हो जाए। करीब 1 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम में ढक के रख दिया था। प्याज और टमाटर जो है वो बॉयल हो गया है, लेकिन स्मैशी नहीं हुआ है ज़्यादा। प्याज का जूसीनेस भी है और क्रंचीनेस भी हल्का सा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब टाइम हो गया है कि हम इसमें अंडा को डालें। एक एक करके सारे अंडा को फोड़ के हम कढ़ाई में डाल लेंगे। डायरेक्टली मैं कढ़ाई में ही इसे फोड़ के डाल रही हूँ, इसे अलग से फेंटने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे अंडे डाल लिए हैं मैंने कढ़ाई में। थोड़ा सा स्पैचुला के हेल्प से इसे हल्का सा चला लेंगे, अभी इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इसे थोड़ा सा नीचे से पकने देंगे, वरना जो मोटा मोटा चंक्स होता है ना अंडे का वो नहीं आएगा। इसे तुरंत ही हमें हिलाना नहीं है, हल्का सा हम
स्टर कर लिए हैं और इसे पकने के लिए मैंने 30 सेकंड्स के लिए छोड़ दिया था। देखिए नीचे से ये पकना स्टार्ट हो जाए, हल्का हल्का हाथों से हल्का हल्का ही इसे चलाना है। हल्का सा चला के मैं फिर से इसे 1 मिनट तक पकने के लिए रख देती हूँ। ये पूरा प्रोसेस में फ्लेम को मीडियम रखना है। ये नीचे से फिर से पकना स्टार्ट हो गया है, ऑमलेट जैसा बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए अब इसे फिर से हम थोड़ा सा चला लेंगे, अभी भी इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अंडा भुर्जी को कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, तो एकदम ये चूरमे जैसा हो जाएगा। जो थोड़ा मोटा मोटा चंक्स होता है अंडे का वो नहीं बनेगा, और अंडा भुर्जी में अंडे का चंक्स अगर थोड़ा सा मोटा मोटा हो तो खाने में अच्छा लगता है। देखिए एक एक मिनट करके मैं इसे पकने दे रही हूँ, उसके बाद ही मैं हल्का हल्का करके चला रही हूँ। बस मैं कट कर रही हूँ इसे, मैं ज़्यादा स्टर भी नहीं कर रही हूँ, ताकि इसका जो मोटा मोटा चंक्स हो वो बने रहे। ओवर कुक भी नहीं करना है अंडे को। अंडे का, टमाटर और प्याज, सारे चीज़ों का जूसीनेस हमें बरकरार चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर डालें, चाट मसाला डालने से एक अच्छा चटपटापन आता है अंडा भुर्जी में। ये इसे खाने का टेस्ट बढ़ा देते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है भुर्जी में, एकदम ढाबा स्टाइल। बस हो गया है ये, इससे ज़्यादा कुक हमें इसे नहीं करना है। अंडे का भी जूसीनेस हमें बरकरार चाहिए। जितना ज़्यादा इसे हम स्टर करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, ये उतना ही इसका जूसीनेस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हल्का हल्का स्टर करने के बाद अंडा बस पक जाए उतना ही हमें पकाना है। अब मैंने जो कटे हुए धनिया पत्ता था चॉप किया हुआ, उसको मैंने ऊपर से डाल दिया है। एक बार बस इसे चला लेंगे और अंडा भुर्जी एकदम रेडी हो गया है। गरम गरम फुलके के साथ अंडा भुर्जी एंजॉय करने में अच्छा लगता है। हमारे घर में तो ये अक्सर डिनर के टाइम में बनता है। आप भी मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तामझाम भी इसमें नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ये एक नंबर आता है। एकदम परफेक्टली ढाबा स्टाइल अंडा भुर्जी बन के रेडी हो गया है। मैंने इसे प्लेटिंग भी कर दिया है। देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना, ये देखने में भी बहुत कलरफुल है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।